हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है वो मेरे लास्ट वीडियो विलेज टूर का कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट वीडियो में जो आपने विलेज देखा था वो मेरा ससुराल था, और जो आज मैं दिखाने जा रही हूँ ये मेरा मायके है। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध पूजा होता है जो है अन्नकूट पूजा, जो हर एक साल होता है। तो इस पूजा के बारे में आपको और पता चलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम जानते हैं इस पूजा के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये 56 भोग जो है वो हमारे ठाकुर जी के लिए लगाया गया है। ये पूजा मतलब किस लिए होता है? ये जिसको हम हमारे समाज के द्वारा अन्नकूट कहा जाता है। अच्छा। अन्नकूट का दर्शन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जब आए जी लंका नगरी विजय प्राप्त करके जी अयोध्या वासी। अच्छा। भगवान के श्री राम के राज्याभिषेक के बाद में अच्छा अयोध्या वासी ने अन्नकूट यानी भगवान श्री राम को भोग धराया था। अच्छा, अच्छा। सभी प्रजावासी ने अलग 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 प्रकार से व्यंजन और आपकी मिष्ठान बना बना के प्रभु श्री राम को अर्पण किया था। अच्छा। तब से अन्नकूट का हमारी परंपरा चली आ रही है। अच्छा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ विराजमान है जी। प्रभु श्री राम कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान है जी। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। अच्छा। और उस पूजा कराने के अंतर्गत में अन्नकूट का दर्शन उस समय भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं गिरिराज के स्वरूप धारण करके। अच्छा। स्वयं गिरिराज पर्वत के स्वरूप धारण करके और गिरिराज के पर्वत के स्वरूप में आकर के जितने ब्रजवासियां माता बहन गोपियां जो भी थे जी, जो भी अपने अपने घरों से मकबूला लेकर के आई थी, वो सबको भगवान श्री हरि ने स्वयं ही गोविंदराज पर्वत के स्वरूप बना के और सबका भोग धारण किया, भोग लगाया था, प्रसाद पाया था। तो तब से अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम के द्वारा सबसे ही अन्नकूट का दर्शन चलती आ रही है। और ज्यादातर हम जितने भी व्यंजन बनाते हैं उसमें कहीं न कहीं वो हमारे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ 56 में से कुछ 10-15 व्यंजन का नाम बता सकते हैं आप? जैसे कि व्यंजन में जैसे कि कढ़ी और पकौड़ी बनाते हैं, ये मुख्य इसका हुआ। अन्नकूट नाम का एक व्यंजन भी होता है, मतलब एक सब्जी होती है जिसका नाम ही अन्नकूट होता है, उसमें बहुत तरह की सब्जियां मिलती हैं। अन्नकूट व्यंजन भी होते हैं, अन्नकूट मिष्ठान भी होते हैं जी जी, जो सात अन्न के साथ दाल को करके जो बनाया जाता है वो अन्नकूट के स्वरूप में वो मिष्ठान भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या व्यंजन बना है 56 भोग में? व्यंजन 56 व्यंजन में मैं ज्यादातर व्यंजन अपने घर में ही अपने मंदिर में ही बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ी पकौड़ी खास करके बनाया, ठीक है, खीर बनाया हूँ। अच्छा। और आपके जो चाहे वो आपके पालक की भजिया हो, अच्छा, चाहे वो आपके गोटा हो, अच्छा, चाहे आपके ये आपके क्या कहते हैं कोविज का, चाहे रिंगन का, चाहे अनेक अनेक वेरायटी सूखी सब्जियां ज्यादा होती हैं। सूखी सब्जी मैं करेला का भी सूखी सब्जी बनाया, भिंडा अच्छा। का भी सूखी सब्जी बनाया जी। मैं खास करके साग सब्जी का इसमें महत्व है। देखिए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम को मैंने चारों तरफ से साग किस तरह बनाया, देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम हमारे बैठे हुए भात के अंदर है, पर चारों तरफ से मैं किस तरह से लगाया है वो वनस्पति महाप्रसाद, वो भात जिसको वासी में भी मानता है, कढ़ी पकौड़ी और महाप्रसाद बैठ के पाते थे। जी जी